मई 2023 में जो बच्चे यूपीएससी देने जा रहे हैं, तो आप अभी से बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिएगा, क्योंकि अभी काफ़ी समय है, 5 से 6 महीने हैं। ये टेंशन अभी ना लीजिएगा कि मैंने अभी तक सिलेबस मेरा कंप्लीट नहीं हुआ, मैंने रिवाइज नहीं करा, क्योंकि आप 6 महीने में बहुत कुछ कर सकते हैं। और अगर आप अभी से टेंशन लेने लगेंगे तो आप पे पढ़ाई भी नहीं होगी, तो आप एक आईएएस अधिकारी कभी भी नहीं बन सकते, क्योंकि एक आईएएस अधिकारी कभी भी टेंशन नहीं लेता, वो समस्या को सॉल्व करने की टेंशन जरूर लेता है। तो आप हमेशा समस्या को सॉल्व करने की टेंशन लीजिएगा, ये टेंशन ना लीजिएगा कि मैं इस बार देना है या नहीं देना है। आप 2-4-5 दिन पहले, 28 मई हो सके एग्जाम हो जाए इस बार, तो 28 मई से पहले 20-22 मई को बैठकर सोचिएगा आप कि इस बार मुझे जो यूपीएससी देना है वो देना है या नहीं देना है। और आप एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि आप कभी भी 100% तैयार नहीं हो सकते यूपीएससी के लिए। आपका जब सिलेक्शन हो जाएगा, जब भी आप 100% तैयार नहीं हो सकते, तो आप एक मंथन करने के बाद और कॉन्फिडेंस के साथ आईएएस एग्जाम की तैयारी करें और अपने मन को चिंतन में ना डालें, और बस लेके तैयारी के साथ साथ एग्जाम जरूर दे आप लोग।